नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज बकरीद का दिन, हर जगह खुशी का दिन है, ईद उल अजहा मनाई जा रही है, लोग खुश है। वहीं नाला सुपारा से एक दर्दनाक वाकया सामने आया, जहां खुशी मातम में तब्दील हो गई। दरअसल नाला सुपारा अंतर्गत संतोष भवन क्षेत्र से दो युवकों के कुएं में डूबकर मरने की बात सामने आई है। यह घटना आज सुबह की है। आज सुबह 10-11 बजे के करीब बकरीद की नमाज अदा करने के बाद में दो युवक कुएं के पास खड़े थे, उसमें से एक शख्स कुएं में गिर पड़ा तो दूसरा उसको बचाने के लिए कुएं में कूदा, लेकिन दोनों ही युवक की मौत हो गई। ये कुआ नाला सुपारा के तुरंत क्षेत्र में संतोष भवन रोड पर फॉरेस्ट नाका के पास स्थित है, जहां यह घटना घटी। और मरने वाले के युवकों के नाम अमन शेख और अदनान शेख बताए गए। आपको बता दें कि इन दोनों में से एक शख्स, एक युवक जो पहले गिरा था, उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन दूसरा जो उसका दोस्त था वो उसको बचाने के लिए कूदा, फिर भी वो खुद भी नहीं बच पाया और अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया। बाद में मामले की जानकारी पर आसपास में लोग भीड़ जमा हो गई और लोगों ने दोनों की लाश को पानी से बाहर निकाला। काफी दर्दनाक घटना आज ईद के दिन सामने आई और कहीं न कहीं क्षेत्र में मातम का माहौल हो गया। देखिए इस घटना से जुड़ी ये रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरा नाम इमरान शेख। क्या हुआ है घटना यहाँ पे? यहाँ पे दो जन बावड़ी में गिर चुके हैं। अच्छा। जो मेरे भाई है, कजिन भाई है, मेरे चाचा के लड़के लोग हैं। अच्छा। और एक का नाम अमन है जो 19 साल का है, और एक का नाम अदनान है जो 23 साल का है। और अमन पहले गिर चुका था बावड़ी में, उसको बचाने के लिए अदनान गया क्योंकि उसको स्विमिंग आता था। अदनान स्विमिंग करने के लिए गया, लेकिन दोनों भी रिटर्न आए नहीं, जबकि ये वारदात कुछ 11:15 के आसपास की है। एक जन को किसी को तैरना आता था ना? अदनान शेख को तैरना आता था, और जो दूसरा जन अमान को नहीं आता था। अमान को नहीं। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र अमान की है 19-20 ईयर्स और अदनान की है 23-24। थैंक यू। क्या हुआ है, किस तरह से घटना घटी है? जो सुबह 11 बजे के दरमियान घटना घटी है, एक लड़का जो भी क्या हिसाब से वो कुएं में उतरा था, उसका रीजन अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो जब कुएं में गया तो उसको कुछ तैरने में दिक्कत आई, तो दूसरा लड़का भी उसको बचाने के गया, उसको नजर रखते हुए दूसरा लड़का भी लापता हुआ था। अभी दोनों में से एक लड़के को ढूंढ के निकाल के नाला सोपारा के नगिंदस पाड़े अस्पताल में उसको भर्ती किया है। आगे का उसकी स्थिति अभी तक हमको पता नहीं चली क्या है करके, और दूसरे बच्चों को अभी हम लोग ढूंढ रहे। स्थानिक फायर ब्रिगेड नाला सोपारा वसेवरा शहर में अपनी फायर ब्रिगेड से लोग आए हुए हैं, और पुलिस स्टेशन भी, लोकल पर्सन भी आए हुए हैं, और तमाम नागरिक भी उनको ढूंढने में लगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।